हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चरक संहिता का क्वेश्चन पेपर। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप लोगों को पेपर पैटर्न समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी। तो क्वेश्चन पेपर को ज़रूर प्रैक्टिस करें, इससे एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। और आप अपना आकलन भी कर सकते हैं एग्ज़ाम के पहले भी, अगर आप 1 मंथ पहले भी अगर आप देखते हैं टेस्ट करके खुद को घर पे, तो आपको एक आइडिया भी लगता है कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं, आप वीडियोस में जाकर सर्च कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स के सारे नोट्स भी कुछ अभी से अवेलेबल हैं और धीरे धीरे सारे टॉपिक्स की कोशिश की जा रही है कि सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट कराया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो चरक संहिता में आया हुआ है वो है, हेतुलिंग औषध ज्ञानम - यंग पिता मह। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक आया है और ये श्लोक का आया है। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि चरक संहिता का जो पेपर होता है वो एक ही पेपर होता है और 100 मार्क्स का होता है ये क्वेश्चन पेपर। टोटल जो इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 100। और जो टाइम आपको मिलता है वो होता है 3 आवर्स का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, हेतुलिंग औषध ज्ञानम - यंग पितामह। फिर नीचे लिखा है, श्लोक पूर्ण कर अर्थ लिखिए तथा चिकित्सा में उपादेयता सिद्ध कीजिए। तो इसमें हमें श्लोक को पूरा करना है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है, वैराधिक आग्रह से उत्पन्न हानियों का वर्णन करते हुए किन्हीं 5 प्रकार के वैराधिक आहार का उल्लेख कीजिए। और ये दोनों ही क्वेश्चन जो हैं ये 10-10 मार्क्स के हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, अश्पय निंदित पुरुष का वर्णन करते हुए अति स्थूल निंदित पुरुष का चिकित्सा सिद्धांत कीजिए। और ये भी 10 मार्क्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, मानस प्रकृति के भेदों का वर्णन कीजिए। ये 10 मार्क्स क्वेश्चन है। अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड है, दशविध परीक्ष भाव का वर्णन कीजिए। ये भी 10 मार्क्स क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये है, दशविध आतुर परीक्षा का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इससे पहले में दशविध परीक्ष भाव का वर्णन पूछा गया है और अगले में दशविध आतुर परीक्षा का वर्णन कीजिए ऐसे पूछा है। और ये दोनों 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोर्थ है, 6 मास के अंतराल में मृत्यु सूचक अरिष्ट के लक्षण लिखिए। और ये 10 मार्क्स क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कुष्ठ एवं विसर्प में अंतर स्पष्ट करते हुए कुष्ठ के सामान्य चिकित्सा सिद्धांत बताइए। और ये भी 10 मार्क्स क्वेश्चन है। अब हम लास्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो कि है, इस पर हमें शॉर्ट नोट लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कोई 4। और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें पहला है रक्तपित्त, दूसरा है स्मृति के 8 कारण, तीसरा है सप्तवृक्क,
चौथा है स्वभावोपरमवाद, और इसमें लास्ट है बस्ती। और ये क्वेश्चन जो है ये संक्षिप्त टिप्पणी का, ये 20 मार्क्स का है, और इसमें ऑप्शनल दे रखा है कि आपको जो शॉर्ट नोट्स लिखने हैं वो कोई चार ही लिखने हैं, और ऑप्शन में पांच तो दे रखा है, तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है जो भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से आता हो, ज़्यादा डिटेल्ड वे में आपको याद हो, तो आपको वो ही वाला सेलेक्ट करना है आंसर करने के लिए। तो इन पांचों में जो भी आपको इजी लगे, जैसे रक्त पित्त है, स्मृति के आठ कारण है, सप्तवृक है, स्वभावो परमवाद और बस्ती, तो इनमें जो भी आपको आसान लगे उसका ही उत्तर आप लिखें। क्योंकि होता क्या है, अगर आपको पहले आपने डिसाइड नहीं किया, आप लाइन बाय लाइन आंसर करते गए, तो हो सकता है लास्ट वाला आपको ज़्यादा अच्छे से आता हो, तो पहले अच्छे से सारा पढ़ लें, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लें। और क्वेश्चन पेपर की वैसे भी पहली यही रूल होती है कि हमें पहले क्वेश्चन पेपर जो है अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये चरक संहिता का क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा होता है। तो अगर आपको सेकेंड ईयर का बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए, तो आप वीडियोस के मेरे चैनल के ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अपलोडेड हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।